वहीं महाराष्ट्र में राजधानी मुंबई के अलावा सांगली, अकोला, अमरावती, नागपुर, कोल्हापुर समेत कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। राज्य की कई नदियां भी उफान पर है। स्थानीय प्रशासन की टीमों के अलावा वायुसेना और एनडीआरएफ की टीमों की भी राहत और बचाव के लिए उतारा गया है। वहीं भारी बारिश के कारण कई रूटों पर ट्रेन सेवा बाधित हो गई है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर चर्चा कर हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया और ठाकरे से चर्चा के बाद मोदी ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे से बात की और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की गई। हालात को सुधारने के लिए केंद्र से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और सभी की सुरक्षा और सलामती के लिए प्रार्थना करता हूँ। बाढ़ के मद्देनज़र एनडीआरएफ ने सिकली गांव से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है और वहीं रायगढ़ के जिला कलेक्टर ने कहा है कि कलाई गांव में भूस्खलन की खबर भी सामने आई है। इसमें कितना नुकसान हुआ है फिलहाल इसी की कोई खबर नहीं आई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि रत्नागिरी और रायगढ़ में राहत और बचाव कार्य के लिए भारतीय सेना और नौसेना के जवानों की भी तैनाती किया गया है। और वहीं भारी बारिश के चलते पुणे के भीमा शंकर मंदिर के आसपास भी बाढ़ का नज़ारा है। ये मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। और वहीं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लिए दशकों से अपराध एक बड़ी समस्या रही है। यही वजह थी कि योगी सरकार ने सरकार बनते ही दावा किया कि अपराध में कमी लाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समय समय पर अपराधों को लेकर बयान देते रहते हैं और इस बार भी उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे राजनीति गर्मा गई है। सूबे के मुखिया ने कहा कि जिसको अपनी संपत्ति जब्त करवानी है वो अपराध करे। और आप देखिए इस रिपोर्ट में कि क्या बयान दिया गया है और क्या इसके मायने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को एक बार फिर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी में जिसे अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वो गलत काम करे। आबकारी इंस्पेक्टर के नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान उन्होंने ये बात कही और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनको किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। पहले की सरकारों पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अब किसी को भी गलत काम करने की छूट नहीं है। सीएम योगी के अनुसार अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो तो वह गलत काम कर सकता है। जिसको अपने आगे के सारे रास्ते बंद करने होंगे वो अन्याय करेगा। यूपी में किसी को भी अन्याय करने की छूट नहीं है। युवाओं को चाहिए कि वो खुद की मेहनत पर भरोसा करें और वसूली गैंग के बहकावे में ना आए। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि हम जनता के मालिक नहीं हैं, जनता हमारी मालिक है। जनता जो टैक्स देती है वही हमारी सैलरी के रूप में आती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मालिक के साथ ईमानदारी बरतें और कोई भी उस प्रकार का काम ना हो जिससे वह प्रताड़ित होकर व्यवस्था को कोसे। उन्होंने आगे कहा कि केवल विरोध के लिए विरोध करेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। और वहीं सीएम योगी ने अवैध वसूली को लेकर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले राज्य में वसूली गैंग था वो फिर से सक्रिय हो रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, उनसे कठोरता से निपटेंगे। सीएम ने कहा कि 2007 में मायावती सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर सत्ता में आई थी मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। अब आइए आपको समझाते हैं यूपी क्राइम ग्राफ जिसको लेकर सियासत गरमा रखी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई मौकों पर बताया कि इस प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और सरकार ने भी तमाम कोशिशें की ताकि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। ताबड़तोड़ एनकाउंटर में बड़े बड़े अपराधियों को मार गिराया।
सालों से अपनी दबंगई के चलते राजनीति तक में पैठ बना चुके मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे अपराधियों को यूपी सरकार ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन इन सब बड़े अपराधियों और बड़े नेटवर्क के अलावा क्या वाकई में प्रदेश में अपराध को लेकर बदलाव आया है या फिर सब कुछ जस का तस है? एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि पूरे देश भर के हर राज्य में अपराधों पर पूरा लेखा जोखा तैयार करता है, उसके मुताबिक साल 2020 तक उत्तर प्रदेश की स्थिति अपराध के मामले में बहुत बेहतर नहीं हुई है। अगर हम साल 2017 जब यूपी में समाजवादी पार्टी सरकार जाने के बाद बीजेपी की सरकार आई थी, उन दोनों सरकारों के बीच के अपराध के ग्राफ की बात करें तो साल 2017 तक प्रदेश में अपराध की जो स्थिति थी उसमें कई मायनों में सुधार हुआ है तो कई लिहाज से स्थिति और बदतर भी हुई है। साल 2020 के एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक रेप का मामला रिपोर्ट किया जाता है, जबकि बच्चों के खिलाफ रेप का मामला हर 90 मिनट में रिपोर्ट हुआ है। एनसीआरबी के मुताबिक साल 2018 में उत्तर प्रदेश में रेप पर कुल 4,322 मामले दर्ज हुए थे। इसका सीधा मतलब है कि हर रोज करीब 12 रेप के मामले सामने आ रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत से ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जिससे कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े कम हो सके। एंटी रोमियो स्क्वाड, मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रम इसलिए शुरू किए गए थे। सोनभद्र जिले के नरसंहार के बाद जिसमें 11 लोग मारे गए थे, योगी सरकार ने सुनियोजित तरीके से संगठित जमीन कब्जा करने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए राजस्व विभाग और जिला प्रशासन की एक कमेटी भी गठित की थी, जिसमें पूरे प्रदेश में हजारों हेक्टेयर जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। अपराध को कम करने के लिए रासुका के तहत अपराधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए जिससे कि संगठित अपराध करने वाले जल्द जेल से बाहर ना सके। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बड़े अपराधियों ने अपना तबादला दूसरे राज्यों के जेलों में करा दिया। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक यूपी में साल 2016 में जहां कुल अपराध के मामले 4,90,025 मामले दर्ज किए गए, तो वहीं साल 2018 में 5,80,152 मामले दर्ज किए गए, यानी कि अपराधों में करीब 11% का उछाल दर्ज किया गया। यूपी सरकार एनसीआरबी के इन आंकड़ों को नकारती है। सरकार के मुताबिक यूपी में अपराध पर नियंत्रण हुआ है और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ये प्रदेश के जनसंख्या के लिहाज से पूरे देश की तुलना में कम है। यूपी सरकार हाल ही के दिनों में अपराध पर नियंत्रण के लिए ताबड़तोड़ एनकाउंटर और रासुका जैसे कड़े कानून का इस्तेमाल अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कर रही है। सरकार अपनी इसी कोशिश के हवाले से प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण का दावा भी कर रही है। लेकिन अब योगी सरकार अपराध के खिलाफ समय समय में अपना बयान देते रहते हैं और इस बार भी ऐसा ही बयान दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बयान से अपराध पर कितना लगाम लगेगा। स्पेशल डेस्क आर एन न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।